दिलकश सोने के जेवरात की खरीदारी हो या लेडीज जेंट्स और किड्स वेयर की खरीदारी, या तो हो होम अप्लायंसेस की खरीदारी, तो चले आएं हीरा मार्ट, वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन, बेहतरीन मलबूसात, लेटेस्ट डिजाइन। अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरा मार्ट, कूकटपल्ली हैदराबाद। सच न्यूज के बैन अल-अक़वामी खबरनामे में आप सभी का इस्तक़बाल है। शुरुआत करेंगे सऊदी अरब से। इंजीनियर की अच्छी खासी मुलाजिमत करने वाले कई अफराद किसी मामूली काम की वजह से अपनी मुलाजिमत छोड़ दे तो इस पर हैरान की जा सकती है। सऊदी अरब के एक शहरी ने ऐसा ही किया। नौजवान मशहरी नामी एक इंजीनियर थे, मगर उन्होंने मुलाजिमत छोड़कर खसाब का पेशा इख्तियार करके लोगों को हैरान कर दिया। मशाहिर का कहना है कि मुझे इंजीनियर की नौकरी छोड़कर कसाई का काम शुरू करने पर फख्र है। मैं अपने हाथों से काम करता हूँ। आम खसाबों से हटकर माशीर एक ऐसे कसाई है जो साफ सुथरे लिबास में रहते हैं और अपने कस्टमर्स को साफ सुथरा गोश्त सप्लाई करते हैं। मशहरी का कहना है कि वो एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर थे। उनकी तनख्वाह से उनके घर के अखराजात पूरे नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर ये पेशा अपना लिया है। अगली खबर मिस्र से। मिस्र यानी इजिप्ट में खातून अपने चार बच्चों के साथ पिछले तीन दिन से लापता है। इत्तला के मुताबिक खातून बच्चों के साथ एक क्लिनिक पर गई थी, मगर इसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस ने खातून की तलाश शुरू कर दी है। खायरा के जुनूब में असोयद गवर्नरी के अलखूसा सेंटर से जुड़े अरब शेख उन अल्लाह के गाँव से ताल्लुक रखने वाले पूरे खानदान के लापता होने की वार्ता पेश आई है। लापता होने वालों में माँ और इसके चार बच्चे शामिल है। खातून की शिनाख्त शीमा अब्दुल मोहसिन के नाम से की गई है, जिसकी उम्र 35 साल है। इसके साथ इसके चार बच्चे शामिल है। तहकीकात से पता चला है कि माँ अपने चार बच्चों को डॉक्टर को दिखाने के लिए एक क्लिनिक ले गई थी, मगर इसके बाद वो अभी तक वापस नहीं आई। इसका फोन भी बंद है। गांव वालों ने सोशल मीडिया पर माँ और इसके बच्चों की फोटो शेयर की ताकि उन तक पहुँचा जा सके और ये मालूम कर सके कि वो कहाँ गायब है। बड़ी खबर ईरान से। जुनूबी ईरान में 2 जुलाई की सुबह आने वाले ताकतवर जलजले के नतीजे में 5 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। जलजले की शिद्दत 6.0 थी और इसका मरकज एक कम आबादी वाला इलाका था। ईरान के खालिजी साहिल पर वाकई हमगाजान सूबे में इमरजेंसी सर्विस के चीफ माहिर दार हसन ज़ादा ने सरकारी टीवी को बताया कि जलजले में 5 अफराद हलाक हो गए और अब तक 12 अफराद को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। जलजले का मरकज कम गहराई पर था। इसकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर बताई गई है। जलजले के मरकज ईरान के एक अहम साहिली शहर बंदर अब्बास से कोई 100 किलोमीटर दूर मगरिब में वाकई एक कम आबादी वाले इलाके में था। जलजले के मरकज के करीब वाकई गांव साया खुश में टीम तैनात कर दी गई है। अमगाजान सूबे के इस गांव में तकरीबन 300 अफराद रहते हैं। जलजले के बाद आने वाले झटकों से घबरा कर लोग सड़कों पर निकल गए। जलजले की वजह से बहुत सारे मकान भी तबाह हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर यूक्रेन से। यूक्रेन के जनूबी ओडिशा इलाके में रूसी मिसाइल हमलों में एक बच्चे के साथ कम से कम 21 अफराद हलाक और 6 बच्चों के साथ दीगर 40 जख्मी हो गए। स्टेट इमरजेंसी सर्विस DSNS ने बताया कि शिरुखा गांव में एक 9 मंजिला इमारत पर मिसाइल लगने से 16 अफराद हलाक हुए। इसके साथ ही छुट्टी वाले पिकनिक के मुकाम पर अलग अलग हमलों में एक बच्चे के साथ 5 अफराद हलाक हो गए। यूक्रेन के हुकाम का कहना है कि रूसी जंगी गाजों के ब्लैक सी पर 3 मिसाइल दागे गए। रूस ने पिछले चंद दिनों में यूक्रेन के शहर पर दर्जनों मिसाइल दागे हैं, मगर रूसी हुकूमत के तर्जुमान ने इस बात की तर्दीद की है कि ये हमले आम शहरियों को निशाना बना रहे थे। अगली खबर लीबिया से। लीबिया में मुसलसल बिजली कोटाटी बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ मुल्क के मशरिकी शहर तप्रोक में लोगों ने पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया और इमारत के कुछ हिस्सों को आग लगा दी। ऑनलाइन पोस्ट की गई फोटोज में पार्लियामेंट हाउस के करीब गहरा धुआं उठता देखा जा सकता है। मुजाहिरीन ने मुल्क में वक्त से पहले इंतखाबात की कॉल भी दी है। अबूरी हुकूमत के सदर अब्दुल हमीद
दवैया ने आवाम के मुतालिबात की हिमायत करते हुए कहा कि मुल्क के तमाम इदारों को तब्दील करना जरूरी हो गया है। तो दुनिया भर की खास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज। सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक खुसूसी डिस्काउंट के साथ, और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आएं हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।